एंड यू आर वॉचिंग टेली मसाला। और आज हमारी अंकित सर का यानी ध्रुव सर का हैप्पी बर्थडे है एंड टुडे इज 10th October और मैं उनके लिए केक भी लेकर आई हूँ। तो लेट्स कट द केक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बियर बॉटल ये मैं बेसिकली आई थिंक टेली मसाला की तरफ से ये बियर बॉटल हैप्पी बर्थडे की। ये बेसिकली कैंडल है बट ये इस शेप में क्यों है ये हम खुद जानना चाहेंगे अंकित से कि क्या वो या नहीं पीते। आई थिंक वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं। दैट्स व्हाई ये नकली वाली लाइन जिससे इनको ऐसा यू नो एहसास हो कि हाँ मेरा बर्थडे एंड आई एम हैविंग फन। एग्जैक्टली टेली मसाला को पता है कि मैं दारू नहीं पीता हूँ, आई डोंट टच अल्कोहल, इसलिए ये क्यूट सी बॉटल लाए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस क्यूट लिटिल बॉटल एंड जिसकी भी चॉइस है रियली थैंक्स अ लॉट। सो पहले केक कटिंग कर लेते हैं पूरी, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स करना चाहूंगी आज आपके बर्थडे पे। अभी से पसीने आ रहे हैं। मुझे केक बहुत ही प्यारा है बिकॉज़ दिस इज स्पेशली फ्रॉम टेली मसाला एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो इससे ले एंड इवन आई वांट टू सी कि ये कैसा दिखता है। ओह वाओ दिस इज सो क्यूट, द केक इज वेरी नाइस। और वैसे मुझे मीठा मना है पर यू नो आई कैन नॉट रेजिस्ट। इनको मीठा इसलिए मना है क्योंकि इनका जो वजन है वो इनको उठाना पड़ता है ना बार बार मुझे शो में, तो यू नो इनकी ये साजिश है कि मैं मीठा ना खाऊं। बट दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल केक, थैंक यू सो मच। आई रियली लाइक दीस रिंग्स। अभी ने हम सिर्फ रिंग्स ही खिलाएंगे और कुछ। Many more, many many girlfriends. No, yes, no. बिल्कुल भी नहीं. No, he's mine. He's just mine. Okay. May God bless you and a very happy birthday to you. Thank you so much. And from everybody's side, this is the cake from Telly Masala. So thank you so much. And here it is. Actually, this Sundar candle. I don't want to make it go, but okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आप सब की वजह से टेली मसाला ऑल द टीम एंड ऑफ कोर्स ऑल योर फैंस एंड फ्रेंड्स, दिस इज फॉर यू, हियर यू गो ईट इट। एंड आपकी जगह मैं इसे थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, सो हियर यू गो, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो मैं से मैं जानना चाहती हूँ कि ध्रुव सर अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं और मैं इनवाइटेड हूँ उसमें या नहीं। तुम तो बिल्कुल इनवाइटेड नहीं हो नंबर वन, क्योंकि सरासर बेइज्जती है। हाँ है, बिकॉज भाई जो अपने होते हैं उन्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती ना, वो तो खुद ब खुद दे आर अ पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट तुम्हें प्लान करना चाहिए। सो ऑफ कोर्स शी विल बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। एंड आई थिंक बर्थडे में हमेशा ऑब्वियसली टू थैंक गॉड इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू फॉर एवरीथिंग दैट ही हैज गिवन अस। उसके बाद मम्मी पापा दादी दादा सबकी ब्लेसिंग्स। एंड अब आई थिंक शाम को होगी पार्टी। यस एंड ड्यू टू स्पेशल रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने बोला है बिकॉज उनको मेरे हाथ का चिकन बहुत पसंद है, तो मैं चिकन खुद अपने हाथ से बनाने वाला हूँ सबके लिए, अगर ये थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें शूट से। बट या आई थिंक दैट्स द प्लान। ओके सो आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू कि डू यू हैव एनी बर्थडे मेमोरीज जो आप आज शेयर करना चाहोगे मेरे साथ। हाँ एक्चुअली एक चीज़ है विच इज़ सो मुझे बर्थडे मनाने का शुरू से बहुत शौक है। जैसे लोगों को शादी करने का क्रेज होता है, वैसे मुझे शुरू से बर्थडे मनाने का बहुत क्रेज है। सो आई रिमेंबर जब हम लोग छोटे होते थे तो मम्मी सब बच्चों को घर पे बुलाती थी एंड आई यूज्ड टू से मम्मी ज्यादा बच्चे नहीं है, सिर्फ 10 फ्रेंड्स हैं मेरे। और वो एक्चुअली बर्थडे डे पे कुछ कम से कम तो 40-50 बच्चे ऐसे घर में घुस घुस के आते थे बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू से नो।
कि किसको मैं मना करूं और किसको बुलाऊं. और मम्मी इतनी सारी ऐसे चाउमी ब्रेड पकौड़े और ये वो बनाती होती थी. एंड और मुझे जो कपड़े पहनने होते थे उसके हिसाब से मैं थीम पार्टी रख देता था. आई रिमेम्बर प्रॉपर पंजाबी बर्थडे. ओह यस एब्सोल्युटली. सिर्फ दारू मिसिंग होती थी बट जो कि अभी भी होती है. बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज फन. ओके सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे बचपन में हम लोग क्लासेस में जाके छोटी सी ऐसे कैंडी बॉक्स लेकर जाते थे, चॉकलेट्स बांटते थे और हमेशा एक फ्रेंड को लेकर जाते थे जो हमारा डब्बा पकड़ता था और हम जा जाके देते थे. तो वैसा कोई आपका स्पेशल फ्रेंड आप शेयर करना चाहोगे? लड़की एक्चुअली मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि कभी भी कोई एक नहीं होता था. इनफैक्ट लड़ाई होती थी कि कौन आज डब्बा पकड़ के जाएगा. सो एंड ऑफ द डे मुझे याद है इतनी लड़ाई होती थी कि वो टॉफीज तो पता नहीं कहाँ ही होती थी और सब लड़के बैठ जाते थे और जो हमारी टीचर थी वही बेचारी फिर मेरे साथ जाती थी हर जगह टॉफी बांटने के लिए क्योंकि एवरीबडी वॉन्टेड टू कम यू नो एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड एवरीथिंग बिकॉज आई वॉज द स्कूल हेड बॉय एंड एक्सेट्रा. सो यू नो ऑब्वियसली एवरीबडी वॉन्टेड टू कम सो इट वॉज रियल फन. बट सो दैट फ्रेंड इज माई टीचर. So, आपको कैसा लगा ये सरप्राइज टेली मसाला की तरफ से? Well, I think for टेली मसाला, because this is so cute. सबसे क्यूट तो इसमें वो बॉटल है जो आप लोगों ने दी है. This is the cutest thing. बहुत ही प्यारी कैंडल है. And of course, the cake is chocolate, which is really amazing. और जैसा आप लोगों ने सरप्राइज दिया है, I'm so happy that I can celebrate my birthday with you, all of you, and of course her, and also the reporters of Telly Masala. So thank you so very much. And just like you are wishing me, I would like to wish you a successful years ahead. Thank you. So, इसी के साथ आज हम अंकित को बर्थडे विशेस देते हैं बहुत सारी कि वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो और इट्स लाइक अपनी उनकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ बहुत ही अच्छी रहे. और इसी के साथ मैं क्लोज करना चाहूँगी इंटरव्यू कैमरा पर्सन पुनीत के साथ रिपोर्टर वाणी चतुर्वेदी अका थपकी. थैंक यू. थैंक यू.